Let us see the next question. ICL, an MNC, is executing a plant in Sri Lanka. It has raised rupees 400 billion. Half of the amount will be required. Highlight the portion after 6 months' time. तो ICL नाम का एक कंपनी ने एक प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना है श्रीलंका में, जिसके लिए उन्होंने 400 बिलियन रुपीस ऑलरेडी रेज करके रखे हैं। उसमें से आधा अमाउंट यानी 200 बिलियन एक दैट इज 6 महीने के बाद चाहिए। ICL इज लुकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑन 1st of April 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। यानी 1st of April को कंपनी ऐसा सोच रहा है दैट से टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस अमाउंट, ये जो एक्सेस अमाउंट है कितना 200 बिलियन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 6 months। इट इज कंसीडरिंग टू अंडरलाइंग प्रपोजल्स। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शन ऐसा दे रखा है, या तो हम लोग जापान में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जापान वाला ऑप्शन पूरी तरह से पढ़ते हैं। नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट में दे रखा है इंडेक्स फंड। फ्रेंड्स, इंडेक्स फंड एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए आप लोग डिटेल में समझोगे आपके बहुत ही सिंपल चैप्टर डेरिवेटिव्स में। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि आप लोगों ने सेंसेक्स के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने निफ्टी के बारे में सुना होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ द सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम लोग बेसिकली इंडेक्स फंड बोला जाता है, इसे बोल सकते हैं। इंडेक्स फंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक इंडेक्स फंड होता है कि जिसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, जो हम लोग सेंसेक्स या निफ्टी को बोल सकते हैं। उसके अलावा सेक्टर वाइज भी इंडेक्स फंड्स होते हैं जिसमें आप स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो, IT सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, एंड सो ऑन। इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग इज 11.9276 बिलियन, दैट इज इन द जापानीज येन। डिविडेंड दे रखा है 25 बिलियन। फ्रेंड्स, अगेन आपके बहुत ही सिंपल चैप्टर डेरिवेटिव में आप ये लर्न करोगे कि ये स्टॉक लेंडिंग स्कीम का मतलब क्या होता है। आई गिव यू अगेन अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सपोज कि मैंने आज रिलायंस कंपनी के इक्विटी शेयर बाय करके रखे हैं और मेरा इरादा ऐसा है कि मैं एटलीस्ट नेक्स्ट 5 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट मैं नहीं बेचने वाला हूं। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। कि सपोज कि मेरे एक दोस्त को एक ट्रांजैक्शन में ऐसा लग रहा था कि रिलायंस का सिक्योरिटी नीचे जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, से उन्होंने रिलायंस सिक्योरिटी को शॉर्ट किया, यानी उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी बेचा। लेट अस से एट द रेट ऑफ ₹2,500, प्राइस नीचे जाने की जगह लेट अस से दैट द प्राइस ऊपर चला गया। मेरा दोस्त है ना, बहुत कॉन्फिडेंट है कि प्राइस नीचे ही जाएगा, इट इज ओनली द मैटर ऑफ टाइम। पर जो सिक्योरिटी आपने सेल करके रखा होता है उसके लिए आपको डिलीवरी देना पड़ता है। तो मैंने मेरे दोस्त को ये बोला कि देख, अपने दोस्ती में मेरे को ये सिक्योरिटी देता हूँ, तू मेरे को ये सिक्योरिटी वापस कर देना। उसने बोला ठीक है। तो मैंने उसको सिक्योरिटी दिया और लेट अस से दैट से कुछ एक टाइम पीरियड के बाद से उसने मुझे सिक्योरिटी वापस कर दिया। यानी वो क्या करेगा, मेरा दोस्त जिसने सिक्योरिटी उसने जिसको सिक्योरिटी बेचा है उसको वो सिक्योरिटी का डिलीवरी दे देगा। फिर जब प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी गिरेगा एट दैट टाइम से ही विल परचेज द सिक्योरिटी एट द लोअर वैल्यू और उसको डिफरेंस का गेन हो जाएगा। प्राइस अगर ज्यादा बढ़ा देन इन दैट केस हमको नुकसान होगा। ऐसा एक स्टॉक लेंडिंग का स्कीम होता है ना। मुझे क्या मिलेगा, मेरा दोस्त मेरे को कुछ फाइनेंशियल चार्जेस देगा बिकॉज आई हैड लेंड सिक्योरिटी टू हिम। इन अ वे दैट से टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है टू कवर द शॉर्ट पोजिशन ऑफ द इन्वेस्टर मे बोरो द सिक्योरिटी। तो उस केस में लेंडर ऑफ द सिक्योरिटी को कुछ इनकम मिलेगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सो द इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग दैट इज 11.9276। ये आपने अपने सिंपल चैप्टर डेरिवेटिव जो मैंने आपको बताया उसमें आप लोन करोगे।
discount on initial investment at the end, यानी हमारा price जो था वो 2% से गिर गया, यानी जितने अमाउंट में हमने इन्वेस्टमेंट किया था उससे 2% कम प्राइस हो गया। एक्सचेंज डेट दे रखा है हमको 1st of April को और 30th of September को, यानी 6 महीने का। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा एकदम सिंपल है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ट्रेजरी बिल। वहां पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा वो दे रखा है, एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है डॉलर पर रुपी, उसमें अगेन स्पॉट दे रखा है और 6 महीने बाद का दे रखा है। यू एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ द ऑप्शन, यानी आपको ये बताना है कि क्या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें या तो डॉलर करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें, यानी येन या डॉलर, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट्स द येन रुपी और डॉलर रुपी का एक्सचेंज रेट दे रखा है। सो ILC को हम लोग ऐसा मान लेते हैं दैट से इट मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। ICL इज एन इंडियन कंपनी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वो एक अपना प्लांट से श्रीलंका में से डालने वाली है। उसको लिए उन्होंने 400 बिलियन ऑलरेडी फंड्स रेस कर दिया है, उसमें से आधा पैसा वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट एन आंसर अलॉन्ग विथ मी। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस क्वेश्चन From an Indian company point of view, comma, we have to decide whether to invest rupees 200 billion bracket में लिखो 400 billion divided by 2 in रूपी करेंसी, सॉरी इन डॉलर करेंसी और इन जापानीज करेंसी। सेकेंड पॉइंट, income from stock lending can be earned by investor, sorry, by an investor having long position इन कैश मार्केट। फ्रेंड्स लॉन्ग पोजीशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके पास सिक्योरिटी है, उसको लॉन्ग पोजीशन ऑन कैश मार्केट कहा जाता है। इट कैन बी रिसीव्ड बाय lending security
टू एन इन्वेस्टर हैविंग शॉर्ट पोजिशन ऑन कैश मार्केट. Heading it down. Option number one. Investment in Japan. तो अगर जापान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको कितने अमाउंट का गेन होगा उसका कैलकुलेशन अभी हम लोग कर रहे हैं. आप अपने हिसाब से आंसर एक बार कैलकुलेट करके मेरे को चैट बॉक्स में बताइए, फिर मैं करके देता हूं. चलो लेट अस सी कि कैसे किया जाएगा. मेरे साथ साथ ही आंसर लिखिए. वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव्ड After 6 months. यानी हम लोग सबसे पहले ऐसा करेंगे कि हमको 6 महीने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा. देखो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स दैट क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट से जिसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था लाइक इंडेक्स फंड में उसका प्राइस 2% से गिर गया, ऐसा दे रखा है हमको. तो एक तो हमको मिलेगा यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस डिविडेंड प्लस इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग. Now friends, you can see that say, जैसे कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है that say, जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तभी एक्सचेंज रेट ये था 1.58 रुपीस पर जापानीज येन. सो वी अंडरस्टैंड दैट से द रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ द येन इज इक्वल टू 200 बिलियन. ये क्या रुपीस टर्म में है, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट से द एक्सचेंज रेट इज 1.58 Japanese yen per rupee. So Japanese yen per rupee. हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है 200 बिलियन का, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इतना होगा. सो 200 बिलियन इनटू 1.58 तो ये क्या हो जाएगा, जापानीज येन में हो जाएगा. उसमें से हम लोग क्या करेंगे, से 2% को डिडक्ट करेंगे. सो -2% यानी ये अमाउंट हमको मिलेगा 6 महीने के बाद प्लस डिविडेंड का इनकम मिलेगा. डिविडेंड का इनकम कितना दे रखा है 25 बिलियन. उसके अलावा हमको मिलेगा इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग इन टर्म्स ऑफ द लाइक बिलियन अमाउंट ऑफ द इनकम 11.9276 ऐसा होगा. सो वी विल वर्क आउट द आंसर लाइक दिस 200 इनटू 1.58 यानी 316 -2%. So 309.68 plus 25 plus 11.9276 that is 36.9276. plus
प्लस 309.68, तो ये हो जाएगा 346.6076। दिस इज बिलियन ऑफ येन। ये अमाउंट ऑफ द येन हमको जो 6 महीने के बाद मिलेंगे उसको हम लोग फिर डोमेस्टिक करेंसी में वापस कन्वर्ट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन रुपीज टर्म एंड गेन और लॉस। So now we understand that over here, 6 महीने बाद का forward exchange rate हमको दे रखा है 1.57 yen per rupee। Now question में हमको ऐसा दे रखा है that से हमारे पास से कितने amount of the yen है, हमारे पास इतने amount of yen है 346.6076 बिलियन येन है, उसके सामने हमको इतना रुपीस मिलेगा। सो वी अंडरस्टैंड इट्स ओवर हियर 346.6076 बिलियन येन इनटू 1 डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट 1.57, that comes to 220.7692। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा हमारा गेन का। सो कैलकुलेशन ऑफ गेन on making investment is equal to redemption value minus investment, -200। तो गेन होगा हमारे एग्जांपल में 20.7692 बिलियन। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन का आंसर होगा। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले कॉपी कर लीजिए और फिर सेकंड क्वेश्चन आंसर अपने आप दीजिए। पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। सेकंड क्वेश्चन हमको ऐसा दे रखा है, इन अ वे दैट द सेकंड ऑप्शन हमारा ये है दैट वी इन्वेस्ट इन डॉलर, उसका नेट गेन का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए। तो फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन ये है दैट वी मेक इन्वेस्टमेंट इन डॉलर, उसमें हमको दे रखा है दैट से देयर इज अ ट्रेजरी बिल और उसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 5%। चलो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी। हेडिंग राइट डाउन ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है इन्वेस्टमेंट इन डॉलर करेंसी। चलो इस पर लिखे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें हम लोग लिखेंगे डॉलर एंड रुपी। स्पॉट एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है 0.014 डॉलर पर रुपी। हमारे पास कितने रुपए हैं 200 बिलियन, सो दैट इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ डॉलर।
सो वी अंडरस्टैंड इट्स ओवर हियर. आंसर कैसे होगा? इट इज 200 बिलियन इंटू 0.014. That comes to 2.8 billion. इतने amount of the dollar में हम लोग investment करेंगे. Working note number 2. Calculation of maturity amount of deposit. After 6 months, in that we will write principal plus interest. Principal itna hai 2.8 billion. So 2.8 plus 2.8 into 0.05 into 6 divided by 12. So 2.8 into 1.025. So we understand that over here it is 0.05 into 6 divided by 12. So 2.8 into 1.025. So 2.87 billion dollar. तो ये हमको maturity 6 महीने के बाद मिलेगा. उसके बाद working note number 3, calculation of amount to be received in rupees term. अच्छा, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे? डॉलर एंड रुपीस. एक्सचेंज रेट क्या दे रखा है? 0.013 डॉलर इज इक्वल टू 1 रुपी. और हमको क्या मिलेगा? 2.87 बिलियन डॉलर इज इक्वल टू दिस अमाउंट ऑफ रुपीस. सो 2.87 इनटू 1 divided by 0.013. So 220.7692. billion rupees. तो ये हमको maturity मिलेगा rupees में. Final answer होगा calculation of gain or loss. उसपे हम लोग लिखेंगे amount receivable minus investment. amount receivable क्या है? 220.7692. इन्वेस्टमेंट कितना किया? 220. सो दैट कम्स टू 0.7692 बिलियन. आई एम सॉरी, 200 का इन्वेस्टमेंट है. सो दोनों जगह पे गेन हो रहा है. सेकेंड ऑप्शन में 20.7692 बिलियन और फर्स्ट ऑप्शन में है कोइंसिडेंटली द सेम अमाउंट. So we understand that over here, Japan में अगर investment करेंगे या तो हम लोग United States of America में investment करेंगे. In either of the case, there is a gain of 20.7692 billion of rupees. यहाँ पे भी coincidentally same amount ही आ रहा है. एक छोटा सा समरी ले लेते हैं. हमारा
जो क्वेश्चन है उसमें, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि दैट से हमने टोटल 400 बिलियंस ऑफ रुपीस का फंड रेस किया है, ये जो फंड है उसमें से आधा पैसा हमको 6 महीने के बाद चाहिए, तो ये जो आधा पैसा हमको 6 महीने के बाद चाहिए उसको हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम लोग जापानीज येन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसमें क्या होगा 200 बिलियन × 1.58, तो वो अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आ गया जापानीज येन में। फाइनली उसका वैल्यू 2% से गिर रहा है, तो -2% किया हमने, उस पर डिविडेंड इनकम और स्टॉक लेंडिंग स्कीम का इनकम हमने ऐड किया। स्टॉक लेंडिंग स्कीम का इनकम जो है फ्रेंड्स, वो आप अपने बहुत ही सिंपल चैप्टर डेरिवेटिव में लर्न करोगे। इन सबको मिला के हमारा आंसर आता है 346.6076, दैट इज इन येन टर्म। उसके बाद से उसको हमने डोमेस्टिक करेंसी में रुपीज में कन्वर्ट किया और उस पर से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करके हमने कितना इनकम होगा रुपीज टर्म में, और वो भी बिलियन में वो कैलकुलेट किया। दूसरा ऑप्शन तो काफी आसान है, जिसपे हम लोग डॉलर करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसमें क्या होगा, से यूजिंग द स्पॉट एक्सचेंज रेट हमको रुपीज को सबसे पहले डॉलर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद से उसका मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट हमको मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा 5%, सो यूजिंग से द 6 months टाइम पीरियड वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट एंड इट कम्स टू $2.87 बिलियन। उसके बाद से उसको वापस हम लोग डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हमको एक्सचेंज रेट दे रखा है $0.013 per rupee। यूजिंग द मैच्योरिटी अमाउंट उसको वापस हमने डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट किया, आखिरी में गेन या लॉस का कैलकुलेशन किया और दोनों में सेम अमाउंट का ही गेन आ रहा है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, यू एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ द ऑप्शन, यानी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, कंपनी को क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा गया है। क्या उनको जापानीज यानी कि जापान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उनको से US पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, लिसन केयरफुली, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट से वैसे अगर देखने जाए फाइनेंशियल टर्म में तो दोनों ऑप्शन इक्वली गुड है। In a way that say you are making a coincidentally same amount of the gain, but of course we understand that say the U.S. Treasury bill का risk है ना zero होता है, यानी we understand that say the risk के point of view से say the U.S. का investment है, so उसमें risk zero है, और जब भी आप index fund में investment करोगे तो risk element ज़्यादा है, तो without risk जो आपको मिल रहा है और वो that is वो amount exactly same है as a Japanese investment, so definitely the US investment is preferable instead of Japanese investment. So I request all of you to write an answer. The company is advised to invest in US treasury bill, full stop, उससे मैं लिखो आगे, both options have same gain, so the option having higher gain so the company is indifferent from financial angle to make investment
full stop. However, investment in treasury bill has zero risk. Full stop. Hence, the company is advised to invest in US treasury bill. यानी अगर दोनों का गेन सेम है तो हमको रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेना है, और जिसका रिस्क कंपैरेटिवली कम है से उसमें हम लोग जाएंगे. सो ओवर हियर अनडाउटेडली सो द यूएस ऑप्शन वुड बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ जापानीज ऑप्शन. राइट आंसर.